आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे जिससे हम सभी प्रभावित हैं, वह है मोबाइल का यूज़। इसका इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है और हम अपने आसपास छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि 2 साल से छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करते देखते हैं। शुरू में इसका यूज़ पेरेंट्स अपनी सहूलियत के लिए करते हैं कि अगर हम बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा होगा तो हम रेस्ट करने का मौका मिलेगा या बच्चे को खाना जल्दी खिलाया जा सकेगा, और बाद में इसकी लत लग जाती है और बच्चे को इससे दूर करना मुश्किल हो जाता है। घरों में, पार्टियों में हम बच्चों को आम देखते हैं, वो एक दूसरे से बात करने की बजाय या खेलने की बजाय एक दूसरे के साथ वो मोबाइल पर गेम्स खेल रहे होते हैं या चैट करते देखना एक आम दृश्य बन गया है। मुझे बहुत से पेरेंट्स ही आम पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा मोबाइल यूज़ कर सकता है, अगर कर सकता है तो कितनी देर करना उसके लिए सेफ़ है या उसके कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। मोबाइल का असर हमारी आंखों पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है और इससे बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चे बैठे रहते हैं जिससे वो आलसी हो जाते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होने के कारण उनके शरीर में मोटापा आ जाता है और ये बच्चे डायबिटीज़ को ग्रस्त होने में छोटी उम्र में ही उनका रिस्क बढ़ जाता है। मोबाइल का यूज़ नशे की तरह है जिसकी लत पड़ जाती है और उससे दूर रहना मुश्किल हो जाता है। WHO ने मोबाइल के यूज़ को मेंटल हेल्थ कंडीशंस की लिस्ट में सम्मिलित कर लिया है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से दिमाग के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब आँखों की बात करें तो मोबाइल के यूज़ से बच्चों की आँखों में बैंगापन देखने को मिलता है और चश्मे के नंबर में भी बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। पलकों का बार बार झपकना या सिरदर्द का भी ये कॉमन कारण बन गया है। बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम अलाउ किया जा सकता है? स्क्रीन टाइम का मतलब है उसमें TV, मोबाइल, लैपटॉप, iPad सबका कलेक्टिव टाइम इंक्लूड किया जाता है। 2 साल से छोटे बच्चे को मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चे का एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा और 5 साल से 12 साल के उम्र के बीच में बच्चों का 2 घंटे तक स्क्रीन टाइम अलाउ किया जा सकता है। अब इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि आप खुद मोबाइल से दूर रहेंगे तो आप बच्चे को नसीहत दे सकते हैं कि तुमने भी मोबाइल से दूर रहना है। अंत में आप सबको यही नसीहत देना चाहूँगा कि बच्चों को TV मोबाइल से दूर रखें, उनको पढ़ने के लिए किताबें दें और बाहर खेलने जाने के लिए इनकरेज करें।